नमस्कार सर, पहले सबसे पहले तो आपसे सर ये जानना चाहूँगा, इतनी दुकानें मैंने देखी प्रीतम नगर में, सब जगह गया, तो आज मेरा मन किया कि आपकी दुकान का वीडियो बनाया जाए। कई लोग की डिमांड भी थी, बचपन से लोग सुनते आ रहे श्री राम स्वीट हाउस। इसके अलावा कोई स्वीट हाउस दिखा नहीं मुझे, और यहाँ पर तमाम गलियों में दुकानें खुली जिनका नाम ब्रांड नहीं बन पाए। इतना लंबा ब्रांड बनाना अपने आप में बहुत अहमियत रखता है, क्या क्वालिटी क्या देते हैं कुलदीप जी? हम जानते हैं, हमारे दादा से चली आ रही है ये दुकान, और हम लोग क्वालिटी, हमारी हर एक क्वालिटी, हमारे रसगुल्ला, बंगाली मिठाइयाँ, हर चीज़ की क्वालिटी मेंटेन की गई है। आज से नहीं, ये 32 साल पुरानी दुकान है, 1857 में दुकान खुली हुई थी, तो उस हिसाब से हमारे ग्रैंड फादर ने अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखा, और आज भी वो मेंटेन करते हुए चले जाते हैं। कुछ ये क्वालिटी मुझे लगता है, जैसे दुकान पे कोई आता है तो वो देखते ही, मतलब अंदर आप इतना दुकान को सजा रखे रहते हैं कि मतलब पहले आदमी देखे आइटम ही देखते तुरंत अंदर आ जाए। व्यवहार है अपना, और सामान और वेराइटी इतनी है अपना। क्या होम डिलीवरी का भी कुछ ऐसा? नहीं, अभी तो फिलहाल इतना नहीं सोचा। अच्छा, तमाम अभी ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन सारे काम है, जोमेटो है। अच्छा, वो लोग यहाँ पे मतलब कनेक्ट हो रहे हैं आपसे, स्विगी वगैरह सब कनेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ से माल जा रहा है। वही मतलब कह रहे हैं ऑनलाइन, जैसे कितने का सर आपके यहाँ जो स्नैक्स की बात करें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ फेमस है आपके यहाँ, ढोकला खास तौर से, और भी क्या चीज़ें बनती है? हमारे यहाँ स्पेशल बनती है ढोकला सुबह मॉर्निंग के टाइम, और सुबह मॉर्निंग टाइम आपको खस्ता सा मालूम मिल जाएगा, दोपहर के टाइम हमारे यहाँ फास्ट फूड से ओपन हो जाते हैं, डोसा, चाउमीन, इडली सांभर, छोले भटूरे, मंचूरियन वगैरह बहुत फेमस है। फास्ट फूड सारे मिल जाते हैं आपके यहाँ? सारे चीज़ अवेलेबल रहती है। काउंटर भी अलग से बना हुआ है, मैंने देखा साइड में अलग से बना हुआ है, सुबह 11 बजे से चालू होता है, रात के 10 बजे तक एकदम। और तो इट मीन्स कोई को सिविल लाइन जाने की आवश्यकता नहीं है, वो सारी चीज़ें आप ऑनलाइन भी अब डिलीवरी हो सकती है, जोमेटो स्विगी से भी ऑर्डर हो सकते हैं। और तो स्पेशल वैसे लोग यहाँ तक जो डोसा और ये सब जो फास्ट फूड मुझे लगता है ज़्यादा चलता होगा दोपहर में। जी जी जी, पूरे दोपहर में ये पूरा काम चलता है, यहाँ के साइड ऑफिस के लोग और लेबर के सब आते हैं खाने। जहाँ तक मैं बात करूँ, जो मैंने सर्वे किया यहाँ पर, लोगों का ये कहना है कि सबसे पहले जब श्री राम स्वीट हाउस का नाम था तो सिर्फ जलेबी और समोसे का बड़ी लाइन लगती थी। जी जी, एक टाइम तक लाइन लगती थी, भैया पहले मेरा कर दीजिए, पहले मेरा कर दीजिए। आज वो लाइन, अभी क्या है मतलब कुछ दुकानें खुलने से कुछ चेंजेस हुए? जी, इतनी दुकानें हो गई, सभी कॉमन समोसे बेची रही है, हर आदमी कॉमन समोसा बेचता, हर गली हर एक मोड़ पे समोसे की दुकान, लेकिन ब्रांड वही है श्री राम स्वीट हाउस का नाम आज दी है। लोग अगर घर में भी कहते हैं लाना तो श्री राम का ही यहाँ के लाना, मुझे लगता है ऐसा। धन्यवाद सर आपका, बहुत अच्छा आपने जानकारी। नमस्कार।